डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है आपका इकोनॉमिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइजेशन का ही है। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका टैरिफ। ठीक है, तो आज हम वो पढ़ते हैं टैरिफ के बारे में। इसका पहले का लेक्चर जो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या क्या, मतलब कमर्शियल क्या क्या चीज़ें हमें सोचना पड़ता है। ठीक है, मतलब अगर देखिए स्टेज बाय स्टेज चल रहे हैं। इसके पहले का जो लेक्चर था वो लेक्चर आपको ये बता रहा था, जो मैंने बताया आपको, कि अगर हम कोई प्लांट सेटअप करते हैं तो उसमें क्या क्या कॉस्ट आता है। ठीक है, और उस कॉस्ट को हम कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कि फिक्स्ड में क्या आएगा, सेमी फिक्स्ड में क्या आएगा, और रनिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या आएगा। ठीक है, अब बात ये रही कि जैसा मैं आपको बोलता आ रहा हूँ, पहले लेक्चर में मैंने कहा था आपको इस यूनिट का, कि अब हम कमर्शियली सोचेंगे। अब हमें पता है कि हमारा जो है वो एक्स अमाउंट पैसा लगने वाला है, लगेगा, तो हम लाएंगे कहाँ से। हम लाएंगे हमारे जो कंज्यूमर हैं, है ना। अब आप इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, हमारे जो कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर कौन है, कौन है कंज्यूमर? पब्लिक, जिसको आप सप्लाई देते हो इलेक्ट्रिसिटी का, पैसे आप वहाँ से निकालोगे। ठीक है, तो उनको भी, अब उनके ऊपर भी चार्जेस किस तरीके से हमें फिक्स करने हैं। ठीक है, कि आपका जो रेवेन्यू है, जो रिक्वायर्ड रेवेन्यू है, वो आता रहे। ठीक है, तो समझ में आ गया ये टॉपिक क्यों है, इस टॉपिक का सिग्निफिकेंस क्या है। जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ की हम बात बोल रहे हैं, ये क्यों सिग्निफिकेंट टॉपिक है, इसका मतलब क्या है, पहले वो हम समझते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें, ये पढ़ने वाले हैं कि हम अपने कस्टमर को, जो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर कौन हुए, कॉमन पब्लिक, आप, हम लोग कंज्यूमर हैं। थर्मल पावर प्लांट के लिए, बिजली विभाग के लिए हम कंज्यूमर हैं। कल हो करके आप अगर मान लीजिए कि पहुंच जाओगे बिजली विभाग में, तो आपके लिए बाकी लोग कंज्यूमर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब कंज्यूमर को हमें चार्ज करना है, और चार्ज ऐसा होना चाहिए कि इतना भी ज़्यादा चार्ज मत कर दो कि कंज्यूमर आपसे कनेक्शन ही ना ले, और इतना कम भी मत करो, है ना, इतना कम भी मत करो कि आपका पैसा खुद का ना निकले। ठीक है, तो बैलेंस करना है अब आपको। तो इस चीज़ को हम डिसाइड करते हैं टैरिफ। आप देखे हो, आपके घर में बिजली बिल आता है, है ना, बिजली बिल आता है, उसको कभी ध्यान से देखना। वैसे आपने देखा होगा, कुछ लोगों के अंदर वो जिज्ञासा रहती है, तो देखते हैं ये यूनिट पढ़ते पढ़ते या फिर पढ़ने के बाद, अब अपने घर का बिजली बिल जरूर देखना आप लोग, अब समझ में आएगा, है ना। फिक्स चार्जेस और उसमें यूनिट का जो चार्जेस है, अब उसको पढ़ना शुरू करना, कहाँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और जो पर यूनिट के हिसाब से जो पैसा लेते हैं आपसे, वो मान लीजिए 1.25 रुपया पर यूनिट, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1.25 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, कैसे आता है ये? ऐसा तो है नहीं कि मतलब रात में इंजीनियर सोया, सुबह उठा और बोला नहीं आप तो भाई 2 रुपया होना चाहिए। ऐसा नहीं ना, कुछ डिसाइड होता है उसको जो चार्जेज हम पर यूनिट के हिसाब से लेते हैं, रेट एट विच हम इलेक्ट्रिकली जो सप्लाई कर रहे हैं, जिस हम चार्ज कर रहे हैं, उसको हम टैरिफ बोलते हैं। टेक्निकल वर्ड है टैरिफ। ठीक है, तो द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड टू अ कंज्यूमर इज नोन एज टैरिफ। इस रेट से चार्ज करते हो, रेट क्या होता है, पर यूनिट के हिसाब से लेते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल मान लीजिए आपने 100 यूनिट खर्चा कर दिया, है ना, और आपका बिजली बिल आ गया 500 रुपया का, तो किस हिसाब से यूनिट हो गया बेटा, है ना, 500/100, यानी कि 5 रुपया पर यूनिट। और एक यूनिट क्या होता है, किलो वॉट आवर। यूनिट होता है, मतलब यूनिट जो होता है, एक यूनिट का 1 किलोवाट आवर होता है, तो उसको हम 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट बोलते हैं। तो अगर आपने 100 यूनिट, मतलब 100 किलोवाट आवर आपने कंज्यूम कर लिया है, और उसको हम किस हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, तो वो हो गया 5 रुपये के हिसाब से। जैसे अब मान लीजिए कि आप केला खरीदने गए, तो 12 रुपये दर्जन है, तो एक केले कितना दाम हो गया, 1 रुपया, उसी हिसाब से कितना हो गया, तो ये। ठीक है, तो रेट एट विच इट इज चार्ज। द टैरिफ इज द मेथड ऑफ चार्जिंग अ कंज्यूमर फॉर कंज्यूम इलेक्ट्रिकल पावर। आगे एक मेथड है, एक फॉर्मुलेशन हम करते हैं, फॉर्मूला इस लेक्चर के एंड में आपको दिखेगा, एक छोटा सा फॉर्मूला है,
उस फॉर्मूले पे सेट करके हम टैरिफ डिसाइड कर देते हैं। टैरिफ कवर्स, जो मैं आपको स्टार्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने के पहले कह रहा था, टैरिफ कवर्स द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी प्लस अ रीजनेबल कॉस्ट। इसमें सारा कुछ आ गया, आपका आपका प्रोडक्शन आ गया, आपका मेंटेनेंस का खर्चा भी जोड़ोगे आप इसमें, और कुछ इसमें अगर आपको रीजनेबल कॉस्ट लगाने से मैक्सिमम डिमांड के ऊपर लगाना है वो सब भी है, तो वो सब कॉस्ट भी आ गया आपका। द एक्चुअल टैरिफ दैट अ कंज्यूमर पे डिपेंड्स अपॉन द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने एग्जांपल दिया आपको, जैसा आप कंज्यूम करोगे वैसा बिल आएगा आपका। द कंज्यूमर बिल वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। ठंडी के टाइम पर गीजर चलाते हो केवल, गर्मी में कूलर भी चलता है, एसी भी चलता है, पंखा भी चलता है, हर चीज़ चलता है। तो और अभी दिवाली दशहरा गया उस टाइम पर देख लो, तो जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा पैसा आपको देना है, ठीक है। द इंडस्ट्रियल कंज्यूमर पे मोर टैरिफ बिकॉज दे यूज मोर पावर फॉर लॉन्ग टाइम देन द डोमेस्टिक कंज्यूमर। डोमेस्टिक कंज्यूमर तो बेटा ऐसा है कि रात हुई लाइट बंद करके सो गए, फैक्ट्री में है ना, बड़े बड़े प्लांट में 24x7 लाइट चाहिए ही चाहिए, तो उनका जो है वो उनका जो है ज़्यादा टैरिफ होता है, उनका जो कॉस्ट होता है वो अलग डिसाइड होता है। हम पढ़ेंगे इसमें, है आपके जो सिलेबस में ये है कि हम डोमेस्टिक कंज्यूमर को हम कैसे डोमेस्टिक कंज्यूमर को हम किस हिसाब से डिसाइड करते हैं, जो आपका इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके लिए हम टैरिफ कैसे डिसाइड करते हैं वो है आपके यूनिट में, हम वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है आपका टैरिफ का, कोई भी काम करने जाते हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, तो टैरिफ डिसाइड कर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहली बात तो यही है यार कि टैरिफ ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा खर्चा हुआ है वो सब पहले निकल करके आए, है ना। तो रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द पावर स्टेशन, जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है भैया कम से कम वो तो निकलना चाहिए हमारा, ठीक है। उसके बाद रिकवरी कॉस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आप बैठा के रखे हो उसका रिकवरी कॉस्ट भी तो चाहिए, है कि नहीं। और रिकवरी कॉस्ट ऑफ, देखिए ये रिकवरी वर्ड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि रिकवरी मतलब आप खर्च कर चुके हो और अब आप उसको रिकवर कर रहे हो, मतलब कहीं और जगह से ले रहे हो, तो आपने अपने जेब से लगाए, चाहे आप अपने जेब से लगा रहे हो या फिर आप बैंक से लोन लेके लगा रहे हो, अल्टीमेटली बैंक को भी इंटरेस्ट आप अपने जेब से ही दे रहे हो ना, तो गया तो आपके ही जेब से वो, तो उसको रिकवर कहाँ से करोगे, कंज्यूमर से करोगे, मतलब आपने अपने जेब से दिए और कंज्यूमर से लिए तो रिकवरी हो गई, इसलिए रिकवरी वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जो भी ऑपरेशन मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो भी निकलना चाहिए, और एक सुटेबल प्रॉफिट ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अब प्रॉफिट भी आना चाहिए आपका, ध्यान दीजिए, तभी तो इसी प्रॉफिट पर डिपेंड करता है कि दिवाली में कितना बोनस मिलेगा, ठीक है। जो कंपनी अपने एम्प्लॉय लोगों को दिवाली पे बोनस देती है, फेस्टिव ओकेजन्स पे जो अलग से गिफ्ट मिलता है, कहाँ से आता है, यही सब है, प्रॉफिट से निकाल करके देते हैं, ठीक है। सोचिए इसको, मैंने आपको कहा था ना इस यूनिट को बड़े मतलब उससे पढ़िए, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में इसको, ठीक है। अब टैरिफ का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, अब तो हमारा ऑब्जेक्टिव तो क्लियर है कि हमें पैसा रिकवर करना है, हर तरह का पैसा रिकवर करना है, ठीक है, चाहे वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे बात हो जाए, है ना, चाहे हम उसको लैंड पे बात कर लें, चाहे रनिंग कॉस्ट हो, चाहे मेंटेनेंस कॉस्ट हो, सारा पैसा निकलना चाहिए। लेकिन अब मैं जैसा मैंने आपको बताया लेक्चर के स्टार्टिंग में, टैरिफ ऐसा भी मत रखो आप कि कंज्यूमर जो है आपसे कनेक्शन ले ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान देना, आजकल जो है प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है वो कूद पड़ी हैं वो मार्केट में, है ना, जैसे दिल्ली में NDPL है, BACS है, तो NDPL जो है और BACS है, आप ये सब क्या है आपका प्राइवेट फर्म है ना, BACS जो है वो आपका रिलायंस का है ना, और जो आपका NDPL है वो टाटा का है, तो ये सब जो है आपका प्राइवेट फर्म है, आजकल प्राइवेट फर्म भी आ गई हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो भी अपना टैरिफ डिसाइड करते हैं, तो ऐसे भी टैरिफ आप डिसाइड मत कर दो कि आपका जो कंज्यूमर है वो ले ही नहीं आपसे कनेक्शन, तो प्रॉपर रिटर्न आना चाहिए, ये रिजर्व कैटेगरी होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि आप कोई हिडन चार्जेस लगा दो उसमें, हिडन चार्जेस जहाँ लगाओगे और किसी दिन मार्केट में अगर इंक्वायरी हो गई तो फिर आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा। सिंप्लिसिटी होना चाहिए, अगर पता चले जैसे आप बिजली बिल पढ़ते हो तो उसमें आपको कितना अच्छा समझ में आता है कि अच्छा हमने इतना कंज्यूम किया,
इसको इतना गुना कर दिया, इतना आ गया। तो सिंपल है ना, इतना बड़ा भी मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि उसको लोग कैलकुलेट करने बैठे तो उनको समझ में ना आ जाए कि कहाँ से क्या चार्जर लग गए हैं। रिजनेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन इतना भी मत रखो, है ना, और अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो मैं आपको कहता आ रहा हूँ, अट्रैक्टिव मतलब ऐसा होना चाहिए कि कंज्यूमर आपसे जुड़े, हाँ भाई हमारा फलाने का चार्ज इतना है, और सिंपल है, फेयरनेस है, सामने सामने सब कुछ दिख रहा है। तो ये डिजायरेबल करेक्टिक होना चाहिए टैरिफ का, ठीक है। ये दो दो नंबर का सवाल आ सकता है। उसके बाद क्या क्या फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए है, मतलब आपके और हम मेरे जैसे लोगों के लिए, जो हम जैसे मान लीजिए हम और आप बैठे हैं किसी मीटिंग में और हम डिसाइड करने जा रहे हैं कि भाई टैरिफ, हमें पता है टैरिफ से हमें रिकवरी करनी है और टैरिफ कैसा होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि टैरिफ जो हम डिसाइड करेंगे उसमें क्या क्या फैक्टर हम इंक्लूड करें, मतलब किस किस चीज़ों को हम सोच करके टैरिफ डिसाइड करने बैठे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम और आप मीटिंग में बैठे और वो क्या बोलते हैं चिट पट्टी खेल करके 2 रुपया 5 रुपये के हिसाब से हमने पर्ची निकाल करके डिसाइड कर दिया, वो तो नहीं कर सकते। तो हम बैठते हैं, हम देखते हैं कि हमारा कंज्यूमर कौन है पहली बात, फिर हम देखते हैं उस कंज्यूमर कितने, मतलब नंबर ऑफ कंज्यूमर कितने हैं, फिर हम ये देखते हैं कि उन कंज्यूमर में से कितने कंज्यूमर जो हैं वो डोमेस्टिक हैं, कितने कंज्यूमर कमर्शियल इंडस्ट्रियल के हैं। जैसे आपके लोकेलिटी में ही आप भी एक कंज्यूमर हो और जिसका आटा चक्की है या फिर तेल का मील है वो भी कंज्यूमर है, समझ रहे हैं। कंज्यूमर बिजली विभाग के लिए दोनों कंज्यूमर, लेकिन क्लासिफिकेशन अलग है। हम और आप जो हो गए डोमेस्टिक कंज्यूमर हो गए, लेकिन जिसका आटा चक्की है, तेल का मील है, आटे और वो सब है, वो सब आ गए आपके इंडस्ट्रियल में, समझिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये। डोमेस्टिक में आ गए कॉमन पब्लिक, ठीक है, जो हम और आप जैसे लोग हैं। उसके बाद कमर्शियल, कमर्शियल का बताता हूँ मैं। उसके बाद आइए इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में कैसे हो गया, फ्लोर मिल, ऑयल मिल, और जो छोटे मोटे जो काम करते हैं, जैसे आपका बियरिंग बनाने वाला, मतलब ये समझ लीजिए कि जो आपके SMEs हैं, है ना, SMEs का बड़ा आजकल जोर चल रहा है ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, ये है। तो छोटे मोटे घरों में जो सब वेल्डिंग वेल्डिंग का काम करते हैं, ये सब हैं, वो सब हैं, तो ये सब आते हैं आपके इंडस्ट्रियल में आ जाते हैं छोटे मोटे। बड़ा भी हो सकता है आपका, बड़ा भी हो सकता है, जैसे आपका कोई स्टील पावर प्लांट है तो वो तो बड़ा कंज्यूमर है ना आपका, वो बड़ा कंज्यूमर है। अब इंडस्ट्रियल में भी डिपेंड करता है कि आपका कंज्यूमर कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो वो अभी नेक्स्ट पॉइंट में आएगा, अभी आपका नेक्स्ट पॉइंट में आएगा, अभी हम टाइप ऑफ लोड समझ रहे हैं। तो डोमेस्टिक समझ गए आप, हम और आप, इंडस्ट्रियल कौन हो गया, जो फ्लोर मिल हो गया, ऑयल मिल हो गया, या फिर जिसका बड़ा बड़ा प्लांट चलता है भाई, वो हो गया। अब आइए कमर्शियल, कमर्शियल क्या हो गया, मॉल, सिनेमा हॉल, ठीक है, ये कमर्शियल में चले जाते हैं, ये सब कमर्शियल लोड हैं हमारे, ठीक है। मॉल हो गया, सिनेमा मॉल हो गया, फिर आपका मार्केट हो गया, सब्जी मंडी वगैरह, ये सब कमर्शियल ही हैं हमारे, वो हमारे डोमेस्टिक में नहीं है, ठीक है। ये फैक्टर्स हमें ध्यान में रखना होता है जब टैरिफ डिसाइड करते हैं। ये तो पहला फैक्टर है, अभी आएगा और आएगा, तो यही कहानी यहाँ लिखी हुई है। द लोड इज मेनली क्लासिफाइड इनटू डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। द इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स, लिखा है द इंडस्ट्रियल कंज्यूमर यूज मोर एनर्जी फॉर ए लॉन्गर टाइम देन द डोमेस्टिक कंज्यूमर। अब आपको हमने क्लासिफिकेशन बता दी, अब देखिए सोच के कितना, मतलब खुद ही आप लिख पाएंगे चीज को कि इंडस्ट्रियल कंज्यूमर तो जाहिर सी बात है भाई, उसको 24x7 चाहिए उसको बिजली, तो वो ज्यादा देर के लिए यूज करेगा तो ज्यादा वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, ठीक है। हेंस द टैरिफ फॉर द इंडस्ट्रियल कंज्यूमर इज मोर, उनसे हम ज्यादा रेट से चार्ज करते हैं। आपको भले एग्जाम्पल के लिए 1.5 रुपया पर यूनिट के हिसाब से बिजली विभाग दे रहा है बिजली, लेकिन कोई जिसका फ्लोर मिल वगैरह है उसको 1.5 रुपये के हिसाब से नहीं मिलेगा, उसको 2 या 2.5 रुपये के हिसाब से मिलेगा। उसका भी हम पढ़ेंगे आगे कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये ध्यान लीजिए।
टैरिफ ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। जैसा रिक्वायरमेंट है भाई वैसा पैसे देना है आपको, सिंपल सी बात। फिर है मैक्सिमम डिमांड, कितना मैक्सिमम डिमांड है। अब टाइप ऑफ लोड आपने पढ़ा, अब आइए मैक्सिमम डिमांड के ऊपर। अब देखिए मैक्सिमम डिमांड जो है ये अक्सर हम अगर लेते हैं, कंसिडर करते हैं, तो हम कमर्शियल और इंडस्ट्रियल को लेते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक में जैसे कॉमन पब्लिक है भाई, कॉमन पब्लिक का मैक्सिमम डिमांड क्या हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम क्या यूज़ कर लेगा वो, या तो वो फ्रिज एसी और पंखा एक साथ चला लेगा, या फिर वो फ्रिज एसी बल्ब सब ऑन कर देगा, यही तो है उसका मैक्सिमम डिमांड। तो वो तो उतना कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन जो इंडस्ट्रियल आपका कंज्यूमर है, जो कमर्शियल कंज्यूमर है, उसका मैक्सिमम डिमांड मैटर करता है, क्योंकि वहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है, किलोवाट आवर ज़्यादा लेगा वो, है ना। तो ये मैक्सिमम डिमांड का जो खेल है वो खेल उनके लिए आ जाता है। जब आप डिसाइड करने बैठोगे तो आप पहले ये सोचोगे कि अच्छा कंज्यूमर हमारे कितने हैं भाई, चलो ठीक है, उसका हेड देख लो कितना है, मतलब डोमेस्टिक कितना है, इंडस्ट्रियल कितना है, कमर्शियल कितना है, चलो ठीक है भाई। अब इसमें ये देखो ये कमर्शियल का मैक्सिमम डिमांड कितना है और इंडस्ट्रियल का मैक्सिमम डिमांड कितना है, ठीक है। अब दिमाग में फिगर बनना शुरू हो गया आपके, दिमाग को डिवाइड करिए, सेक्शन में डिवाइड करिए दिमाग को, डोमेस्टिक कमर्शियल इंडस्ट्रियल, ठीक है। डोमेस्टिक को साइड करिए, कमर्शियल का मैक्सिमम डिमांड और इंडस्ट्रियल का मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। इसको देखिए पहले, टाइप ऑफ लोड, डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल का मैक्सिमम डिमांड और इंडस्ट्रियल का मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल दिमाग में ग्राफ बना के चलिए। अच्छा, द टाइम एट विच द मैक्सिमम लोड इज रिक्वायर्ड, ये क्या खेल है भाई। देखिए जाहिर सी बात है, अगर जिस टाइम पर मैक्सिमम डिमांड है, ठीक है, अगर मैक्सिमम डिमांड के समय अगर किसी कंज्यूमर का मैक्सिमम डिमांड मैच करता है, कंज्यूमर में यहाँ पे कौन आ गए आपके, इंडस्ट्री और जो कमर्शियल बंदे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग, ठीक है। अगर इनका मैक्सिमम डिमांड, मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ कैसे है। देखिए बहुत आसान है समझना, मैं फिर वही लूँगा, एक कर्व बना लेता हूँ मैं आपके लिए। मान लीजिए आपका लोड ड्यूरेशन कर्व है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर लोड ड्यूरेशन कर्व, ठीक है, और ये मान लीजिए आपका डेज है, नंबर ऑफ डेज है, एक एक दिन का आप लेके चल रहे हो, ठीक है। हम इसको घंटों में भी बना सकते हैं, हम मिनट में भी बना सकते हैं, तो मैं डे लेके चल रहा हूँ। और ये जो है आपका, मान लीजिए ऐसे करके ग्राफ पेपर पे आपने बनाया KWH, ठीक है, ऐसे करके, और डेज जो है आपका इधर है, चलिए ओके। अब मेरे को एक चीज़ देख के बताइए, यहाँ पर आपका मैक्सिमम डिमांड है, ठीक है, यहाँ पे आपका ग्राफिकली आपका मैक्सिमम डिमांड यहाँ पर है ना, आपका मैक्सिमम डिमांड है, मतलब आप बिजली विभाग में काम कर रहे हो, आपका मैक्सिमम डिमांड ये है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कि कोई पावर प्लांट है, सॉरी कोई इंडस्ट्री है, या कोई कमर्शियल बिल्डिंग ले लेते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग मतलब मान लीजिए कोई सिनेमा हॉल ले लिया, ठीक है। मान लीजिए सिनेमा हॉल का जो ग्राफ है वो ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके है, ये नीला वाला जो है मान लीजिए वो सिनेमा हॉल का है लोड ड्यूरेशन कर्व, ठीक है। उसका देख रहे हैं, इसका भी मैक्सिमम डिमांड जो है वो तभी आ रहा है जब आपके बिजली विभाग का मैक्सिमम डिमांड जा रहा है, समझिए। हर एक चीज का लोड ड्यूरेशन कर्व आप बना सकते हो क्लासीफाई करके, आपका एक बिजली विभाग का लोड ड्यूरेशन कर्व अलग होगा, कंज्यूमर का लोड ड्यूरेशन कर्व अलग होगा, कंज्यूमर में भी डोमेस्टिक वालों को आप साइड कर दीजिए, बेचारों का तो ज़्यादा कुछ होता नहीं, इंडस्ट्री वालों का लोड ड्यूरेशन कर्व अलग बनेगा, कमर्शियल वाले अपना अलग बनाएंगे, ठीक है, और उसको हम सुपर इम्पोज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए नीला वाला जो है वो आपका कमर्शियल का है, ठीक है, और एक और मैं बना देता हूँ, इसका मैं ले लेता हूँ इस कलर में, ठीक है, और इसका मान लीजिए कि ऐसे करके, देखिए लोड ड्यूरेशन का ऐसे करके है ये, ठीक है, ये मान लीजिए नीला वाला जो है वो आपका इंडस्ट्री का है,
अब आप देखिए, कमर्शियल वाले का, इंडस्ट्री वाले का और सब सब जगह का एक ही दिन में, एक ही टाइम पर, एक ही इंस्टेंट में भाग रहा है, देख रहे हैं, एक ही इंस्टेंट में तीनों मैक्सिमम डिमांड कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइम पर आपके मशीन के ऊपर, आपके प्लांट के ऊपर बहुत स्ट्रेस पड़ने वाला है, तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए पैसे ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि उस टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा इंजीनियर, सबसे ज़्यादा आपको टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ने वाली है और सबसे ज़्यादा लेबर की जरूरत पड़ने वाली है। और उस टाइम पर आपका मैक्सिमम, अगर थर्मल पावर प्लांट है तो उस टाइम पर आपका सारा का सारा बॉयलर सेक्शन काम करता रहेगा, और जितना बॉयलर सेक्शन उतना असिस्टेंट इंजीनियर, उतना आपका जूनियर इंजीनियर, उतना सुपरवाइजर, उतना टेक्नीशियंस, उतना लेबर है। तो ये है, तो किस टाइम पर आपका डिमांड उठ रहा है मैक्सिमम डिमांड, और उस टाइम पर बाकियों का मैक्सिमम डिमांड कितना आ रहा है, ये फैक्टर भी आपको देखना होता है, ठीक है। अब समझ में आया, चीज़ों को तोड़ के समझिए। तो यही कहानी, देखिए ये इतना लंबा लिखा हुआ है, ये लंबा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत लोगों को शिकायत रहती है कि नोट में क्या लिखना है, नोट्स में क्या लिखना है। ये नोट्स में लिखने के लिए ये है, बाकी मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, ठीक है, समझ जाइए, लिखना आराम से हो जाता है। इट इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इफ द मैक्सिमम डिमांड कोइंसाइड विद द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द कंज्यूमर देन द एडिशनल प्लांट इज रिक्वायर्ड। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कि अगर आपका थर्मल पावर प्लांट का चार बॉयलर है, फॉर एग्जाम्पल चार बॉयलर है, तो जब आपका मैक्सिमम डिमांड होगा उस समय चारों बॉयलर काम करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ठंडी का टाइम है, ठंडी का टाइम क्या होता है, चार में से आपका तीन बॉयलर काम करता है या फिर दो काम करता है, तो उतना खर्चा नहीं आता है। लेकिन जब चार बॉयलर एक साथ काम करेगा 24x7, तो आपको ज़्यादा चाहिए ना। तो वही लिखा है कि एडिशनल प्लांट इज रिक्वायर्ड। तो प्लांट मतलब कोई अलग प्लांट नहीं, मतलब यूनिट की बात हो रही है। एक बॉयलर सेक्शन का एक यूनिट होता है, एक बॉयलर सेक्शन को एक यूनिट बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट में। और हाइड्रो पावर प्लांट में एक जनरेटर सेक्शन का, मतलब एक पेनस्टोक जो है वो आप, और एक टरबाइन, एक पेनस्टोक एक टरबाइन एक यूनिट हो गया। उसी तरीके से चार, अगर आपके, अगर आपका चार पेनस्टोक है तो चार यूनिट हो गया थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है। अगर आपका चार टरबाइन लगा हुआ है और तो उसके ऊपर, हर एक टरबाइन के ऊपर एक अल्टरनेटर होगा, हाइड्रो में आपने पढ़ा होगा, तो एक टरबाइन और जनरेटर एक यूनिट हो गया। तो अगर हाइड्रो की हम बात करें तो चार टरबाइन एक साथ रन करेंगे आपके मैक्सिमम डिमांड के टाइम पे, है ना, ये चीज़ है। तो उस टाइम पर आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा तो ज़्यादा लगेगा। और अगर आपका मैक्सिमम डिमांड है ऑकर ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर, जितना भी मैंने आपको यहाँ बनाया है, ठीक है, ये आपका पीक आवर है, ये आपका पीक आवर है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन क्या कह गया उसको हम समझते हैं, ठीक है। देखिए भले लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए ऐसा है कि समझना है तो पूरा समझना है, नहीं तो क्या है कि ऐसे केवल पढ़ा करके कि हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है, तो वो सही नहीं रहता, ठीक है। अब मैं फिर से एक लो ड्यूरेशन कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको कर्व से ही बताऊँगा, और अगर हो सके एग्ज़ाम में तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। ये है आपका लोड ड्यूरेशन कर्व, ठीक है। इसमें मैं डे लेता हूँ इधर, और यहाँ पे मैं किलोवाट आवर लेता हूँ, और मैं एक लोड ड्यूरेशन कर्व बना देता हूँ रफली, ठीक है। मैं इस बार ग्रीन से बनाता हूँ, कैसा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्मूथ ही हो जाए। और अब यहाँ पे ये है आपका मैक्सिमम पीक, ये है आपका, ये आपका है मैक्सिमम बिजली विभाग का, ठीक है, और ये वाला है मिनिमम, ठीक है, ये वाला आपका मिनिमम है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ क्योंकि मुझे जो है और भी बताना है, इसको मैं वो कर देता हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है।
ऐसा ऐसा है आपका लोड कर्व मान लीजिए, ठीक है। लोड कर्व कैसे भी हो सकता है बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है कि जो मतलब हमने बना दिया वही पत्थर की लकीर हो गई। वो डिपेंड करता है ना कि आपका कंज्यूमर कैसा है और आपका जो है वो कर्व कैसा आता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका लोड ड्यूरेशन कर्व है बिजली विभाग का, ठीक है। और मान लीजिए और यहाँ यहाँ पे मिनी आपका ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ये मैक्स हो गया, और मिनिमम कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला पॉइंट आपका मिनिमम हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट लाइन जो ये कह रहा है कि मान लीजिए कि आपका कोई कंज्यूमर है, इंडस्ट्री का कंज्यूमर है, उसका जो लोड ड्यूरेशन कर्व है ना, वो है ऐसा ऐसा है ना। तो उसका देखिए, उसका मैक्सिमम डिमांड यहाँ पे आ रहा है, उसका मैक्सिमम डिमांड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और दोनों जो हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर हम एक वर्टिकल लाइन अगर हम खींच करके देखें ऐसे करके, तो एक पर्टिकुलर डे के दिन जिस दिन आपका मिनिमम है उस दिन आपका जो बड़ा कंज्यूमर है उसका मैक्सिमम है, तो आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, क्योंकि आपके सारे बॉयलर सेक्शन तो काम कर रहे हैं। तो आप क्या करो कि चुपचाप अपना पावर डाइवर्ट कर दोगे उधर। तो आपको मतलब जैसे अगर तीन बॉयलर सेक्शन, तीन बॉयलर चल रहा है और उस पर्टिकुलर दिन में आपको दो बॉयलर से ही काम चल रहा है, लेकिन अगर उसका मैक्सिमम डिमांड उस टाइम पर है, तो जो एक बॉयलर सेक्शन जो चल रहा था उससे आप इस वाले को सप्लाई दे दो, तो उसके लिए कोई कैपेसिटी की ज़रूरत ही नहीं है आपको। वो से तीन में तीन पहले भी चल रहा था, कल भी चल रहा था, आज भी चलेगा, बस आपने डाइवर्ट कर दिया है पावर। तो इसलिए जब अगर इस टाइम पर आता है तो एक्स्ट्रा प्लांट की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। मैं इतनी कहानी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग दिमाग में एक फिगर बन जाए कि हाँ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं पावर को डिसाइड टैरिफ को डिसाइड करने के लिए, ठीक है, ये चीज़ें। तो हाँ, उसके बाद क्या है, द पावर फैक्टर ऑफ द लोड बहुत ज़रूरत है, ठीक है। पावर फैक्टर ऑफ द लोड यह भी हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक आपका है पावर फैक्टर जो है वो कैसे अफेक्ट करता है आपके किलोवाट आवर को। इस टॉपिक को जो है अगर आपके अंदर कोई जिज्ञासा आ रही हो तो उसको थोड़ा रोक के रखिए, आपका पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट का है, उसमें मैं इसको डिटेल में लूँगा, ठीक है। पावर फैक्टर ऑफ द लोड जो है उसको मैं डिटेल में लूँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए बस ये जानिए कि पावर फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमेशा हम पावर फैक्टर जो है यूनिटी रखने की बात करते हैं, 0.8 के ऊपर ही रहता है, 0.9 ऐसे करके रहता है, लेकिन पावर फैक्टर कभी भी यूनिटी नहीं हो सकता, ये हमेशा ध्यान रखिए। हमको चाहिए हमें यूनिटी के पास, यूनिटी नहीं रखना है हमें, उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। द लो पावर फैक्टर इंक्रीज द लोड करंट, करंट बढ़ जाता है जिससे आपका लॉसेस सिस्टम में बढ़ जाएगा, लॉसेस बढ़ेगा तो रेगुलेशन जो है आपका पावर रेगुलेशन जो है वो पुअर हो जाएगा। तो अब क्या है कि पावर फैक्टर अच्छा इंप्रूव करने के लिए आपको कैपेसिटर बैंक लगाना पड़ता है प्रिंटिंग स्टेशन में, कभी ये हम सब स्टेशन में भी लगाते हैं, ये सब स्टेशन में भी लगता है। कभी आप सब स्टेशन जाओगे तो देखना कि कोने पर एक अलग माउंटिंग टाइप का बना रहता है ना, उसमें ऐसे जो है ये रिंग टाइप का होता है ये, तो वो आपका होता है इंडक्टर, कैपेसिटर बैंक होता है आपका, है ना। मैं करेक्ट कर देता हूँ, जाओगे तो वहाँ कैपेसिटर बैंक अलग कोने में बना हुआ होता है आपका, वो ये चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप कैपेसिटर बैंक तो जितना खराब पावर फैक्टर होगा उतना ज़्यादा आपको खर्च पड़ेगा कैपेसिटर बैंक लगाने में, है ना, उतना ज़्यादा कैपेसिटर बैंक की जरूरत पड़ेगी। ये पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में अगला टॉपिक आपका है, एक दो लेक्चर के बाद उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी फ़िलहाल आप बस ये जाने कि पावर फैक्टर का अगर खराब होगा तो करंट ज़्यादा चाहिए, और पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, तो टैरिफ अलग हो जाएगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द एनर्जी यूज, कितना एनर्जी यूज हो रहा है, कितने देर के लिए यूज़ हो रहा है, ये भी डिसाइड करेगा आपका, है ना। तो ये सारी चीज़ें, अब आ गया, सारी कहानी हो गई
कि ये पांच फैक्टर हमें डिसाइड करने हैं। अब आ गया इसका कि ठीक है सब डिसाइड हो गया, अब वो फॉर्मूलेशन कैसे करना है टैरिफ का। तो आप मैं जो पहला लेक्चर जो इसका लेक्चर था उसमें कॉस्ट वाले में आपको हमने बताया था फिक्स्ड सेमी फिक्स्ड और रनिंग। अब उस आ गया इसमें डी। देखिए एक कन्वेंशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट है, आप इसको पी क्यू आर भी ले लीजिए, तो कन्वेंशन है। तो डी जो है हम लेते हैं फिक्स चार्जेस के लिए, ए एक्स हम लेते हैं, ए एक्स जो है आपका वो सेमी फिक्स्ड है, और बी वाई है, इसको बाई मत समझिएगा, बी वाई है, ठीक है, ये ए एक्स है और ये डी है ना। तो बी वाई मतलब ये जो आपका हो गया बेटा, ये हो गया आपका फिक्स चार्ज, ठीक है, और ये जो बी वाई है आपका, ये आपका रनिंग चार्ज हो गया, और आपका ए एक्स जो हो गया ये हो गया आपका सेमी फिक्स्ड। तो एक्चुअली वो लिखने का तरीका है, ए बी डी करके लिख दिया है। तो इसमें आपका फिक्स्ड कॉस्ट आ गया, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट आ गया और रनिंग कॉस्ट आ गया, ठीक है। अब सी क्या है आपका, टोटल चार्ज एक महीने का, वो अब आपके ऊपर, आप उसको मंथली लेके चलो, इसलिए यहाँ लिखा से 1 मंथ। मंथली लो, एनुअली लो, डेली लो, वो आपके ऊपर है, आप कैसा डिसाइड करते हो, ये आपके लिए है, ठीक है। उसके बाद है एक्स इज द मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब ए एक्स जो है ए इंटू एक्स एक्चुअली में ये, ठीक है, ए इंटू एक्स एक्चुअली में। तो एक्स जो है वो क्या है आपका मैक्सिमम डिमांड, ए जो है वो क्या आपका मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, और ए क्या है आपका कॉस्ट पर यूनिट किलोवाट और केवीए ऑफ मैक्सिमम डिमांड ए, ठीक है, ये है आपका ये। उसके बाद वाई क्या है, अब ये आपका बी इंटू वाई है, तो वाई क्या है टोटल एनर्जी कंज्यूम ड्यूरिंग, ये टी ई नहीं होगा, ये द होगा, ड्यूरिंग द पीरियड, टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ, और बी क्या हुआ कॉस्ट पर किलोवाट आवर ऑफ द एनर्जी कंज्यूम, ठीक है। तो आपका ये रनिंग कॉस्ट में आ गया ये, और डी क्या हो गया फिक्स्ड चार्ज ड्यूरिंग ईच बिलिंग पीरियड, इसलिए जो टोटल फॉर्मूला बन जाता है वो ये बन जाता है, सी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज थ्री पार्ट इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ एंड इट इज मेनली अप्लाई टू द बिग कंज्यूमर। छोटे कंज्यूमर के लिए हमारा दो ही फैक्टर आता है, लेकिन जब बड़े कंज्यूमर हो तो उसमें हम तीनों फैक्टर लेते हैं, फिक्स्ड सेमी फिक्स्ड और रनिंग चार्ज तीनों ले लेते हैं उनसे, ठीक है। तो ये जो लेक्चर था आपका टैरिफ के ऊपर था, होप सो ये आपको समझ में आया होगा। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन एक्चुअली क्या है कि पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि टैरिफ होता क्या है, इसका जो है उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या होता है, और टैरिफ कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा ना कि यूनिट में टॉपिक कम है, मतलब उतना लंबा नहीं, लेकिन समझने की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, मतलब ये प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव अब शुरू हो गया आपका, ठीक है। सो आगे आने वाले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ टैरिफ कितने तरह के होते हैं, और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।